न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम भरोला स्थित बियर हाउस में रखा हुआ है। अनाज खराब हो जाने के कारण उसमें पाइलनुमा कीड़े उत्पन्न हो चुके हैं, जो शाम होते ही लाइट की रोशनी से बियर हाउस से उड़कर भरोला ग्राम वासियों के घरों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां ग्रामीणों ने बताया कि पाइलनुमा कीड़ों के कारण हमारा खाना पीना एवं जीना दुश्वार हो चुका है। पूरा दिन हम लोग मजदूरी का काम करते हैं और शाम होते ही कीड़े परेशान करते हैं। हम सभी ग्रामीणों लोगों को पाइलनुमा कीड़ों के कारण गंभीर बीमारी होने की संभावना बनी हुई है। हम ग्रामीण जन जिला प्रशासन से इस समस्या का निदान करने के लिए अनुरोध करते हैं। वही जानकारों ने बताया कि जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग पंचनामा कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द खराब अनाज को बियर हाउस से बाहर करें और दवाइयों का छिड़काव कराकर पाइलनुमा कीड़ों का खात्मा किया जाए, ताकि स्थानीय ग्रामीण और गंभीर बीमारी एवं परेशानी से बचा जा सके। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। अनाज है वो सड़ चुके हैं, इसके कारण वो जो गांव में कीड़े उत्पन्न हुए हैं उनकी वजह से तो खाने में पड़ जाते हैं, इसके कारण बीमारियां भी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। वो इससे कीड़े उड़ने लगते हैं, जिससे गाँव वालों को बड़ा प्रदूषण वो हो रहा है और गांव वाले ना तो सो पाते हैं ना खा पाते हैं। इतने छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं जिनकी दवाई समय समय पर नहीं डाली जाती वेयर हाउस के द्वारा, जिससे पूरा गांव प्रभावित है। हम आ चुका है, ये अनाज सड़ जाने के कारण कीड़े उड़ते हैं, जिसकी जांच की हम मांग कर रहे हैं। हमारे पार्टी कार्यालय में आते हैं और पार्टी कार्यालय बताते हैं कि इस प्रकार जो है वहाँ पर जो है गल्ला जो है काफी सड़ चुका है, उसके कीड़े जो उड़ रहे हैं लोगों के शरीरों में चिपक रहे हैं। इससे अगर इस पर रोकथाम नहीं लगाई गई, उसको सड़े गल्ले को वहां से नहीं हटाया गया, तो इससे कभी भी कोई दूषित बीमारी फैल सकती है, टीबी की बीमारी फैल सकती है, कैंसर की बीमारी फैल सकती है। इस बीमारियों की रोकथाम के लिए सड़े गले को तत्काल वहां से हटाया जाना बहुत जरूरी है। जैसे चालू करते हैं वैसे पूरे हार की पाई आके इकट्ठा हो जाती है, पूरी दुकानों में कपड़ों में सोना हराम है, खाना हराम है, हर खानों में गिरती है। इसके कारण हमने गेट वालों से वेयर हाउस के कर्मचारियों से बोला कि आप दवाई नहीं डलवाते, तो बोलते हैं कि दवाई तो डल रही है, तो बोला भैया कहे उड़ रही, तो फिर जब दवाई डल रही है 2 बजे के बाद रात में परेशान करते हैं, आँखें शरीर में घुसते हैं, खाना पीने में जाते हैं, घर द्वार में जाते हैं, परेशान होते हैं। हाउस बनने से पाई उलटती है, उलटी जाती है, आदमी को नुकसान है। मुख्यालय से करीबन 5-6 किलोमीटर के दूर पे भरोला ग्राम है, वहाँ के लोगों का जितना भी काम है और बाजार है सब उमरिया में होता है। वहाँ के बहुत सारे रहवासी आए व्यक्तिगत रूप से बताए कि जो वहाँ पे भरोला गांव में के पास बेयर हाउस है, उसमें शासन का गल्ला रखा हुआ है, वो सड़ चुका है, बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है और उसके जो कीड़े हैं छोटे साइज के कीड़े हैं जो कि घातक हो सकते हैं, कई बीमारियों को जन्म दे सकते हैं, वो उड़ उड़ के लोगों के शरीर में चिपक जाते हैं, घरों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से ये बात सही है या नहीं है, परंतु इस बात की संज्ञान लोगों के मन मस्तिष्क में आया है, लोगों की जानकारी में आया है। हम उमरिया जिले के कलेक्टर से अपेक्षा करते हैं कि तत्काल वहां पे छापा मारे, ऐसे गोदामों पर देखें कि क्या स्थिति सही है। यदि इस तरीके की मान लीजिए सड़न हो गई है तो सड़न का जो खराब माल को फेंके पंचनामा बनवाएं, जिससे कि भरौला और आसपास के गुजरने वाले लोगों को किसी प्रकार से भयंकर बीमारी न हो। बीमारी से बचने के लिए और इस प्रकार से कोई बड़ी दुर्घटना न घट जाए बीमारी के संक्रमण बीमारी के रूप से, तत्काल कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा करते हैं। महत्वपूर्ण जागरूकतापूर्ण अति शीघ्र इस पर कदम उठाया जाए, पहल की जानी चाहिए। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उस अनाज को हटाने की, वहाँ से फीस देखरेख सुरक्षा की सफाई की, क्योंकि आने वाला समय बारिश का समय है और तमाम प्रकार की बीमारियाँ जो है वहाँ के रहवासियों को पहुँचेंगी। और एक प्रश्न ये उठता है कि जहाँ लाखों लोग भूख भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये अनाज आखिर सड़ा क्यों, और ये क्यों सड़ा, प्रॉपर व्यवस्था तक क्यों नहीं पहुँचा उन लोगों तक जहाँ पहुँचना चाहिए। ये कई विचारणीय बिंदु होते हैं जिस पर जो है विचार किया जाना लाजमी है, और मैं माननीय कलेक्टर साहब से कहूंगी कि इस दिशा पर कहूंगी क्या मैं निवेदन कर रही हूं कि इस अनाज को जो कि दूषित और दुर्गंधित और पीड़ित हो चुका है, इसको तुरंत हटवाए जाने की कृपा करें। और दूसरी बात, जिन लोगों की लापरवाही के कारण यह अनाज अन्य देव कहलाता है, इसका श्राप लगता है, तो जिस कारण ये अव्यवस्था फैली है, उन दोषी कर्मचारियों को, उन दोषी बंधुओं को जो है दंडात्मक उनके खिलाफ कार्यवाही। मैं एक टीम का गठन कर दिया है, हमने टीम जाकर के जांच करेगी
अगर ऐसा सही पाया जाए तो संबंधित उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और वसूली कार्रवाई भी की जाएगी।